हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय आज आपसे थोड़ा सा सर्जिकल बात करने वाले हैं, मतलब कि ऑपरेशन के बारे में। आज हम साइनस के ऑपरेशन को बड़े आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑपरेशन कब किए जाते हैं? ये ऑपरेशन किए जाते हैं जब हमारे साइनस के अंदर, जो साइनस होते हैं वो यहाँ 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 कैविटीज़ होती हैं, इन सब में कुछ बलगम फंस जाए या फिर उसके अंदर कोई जो लाइनिंग होती है हमारी नॉर्मल, उसमें सूजिश आ जाए या पॉलिप्स आ जाएँ, उस सूरत के अंदर किया जाता है, या कोई मांस आ जाए, उन सब चीज़ों में किया जाता है। ये ऑपरेशन नॉर्मली दूरबीन के द्वारा किए जाते हैं जिसमें कोई बाहर से चीरफाड़ नहीं होती है, और ये ऑपरेशन काफ़ी सेफ होते हैं। हाँ, रिस्क तो हर किसी के साथ में ऑपरेशन जुड़े हुए हैं। अब अक्सर लोग मेरे पास में आते हैं कि डॉक्टर साहब, साइनस का ऑपरेशन तो कर दोगे पर हमने सुना है इलाज तो इसका पक्का होता ही नहीं है। ये गलत फहमी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है। अगर अच्छे से साइनस का ऑपरेशन किया जाए तो बीमारियाँ वापस नहीं आती हैं। सबसे पहले तो अपनी बीमारी का कारण समझिए। अगर शुरुआत एलर्जी से हुई है तो एलर्जी पे तो हमें काम करना ही पड़ेगा। नाक में पॉलिप है तो आपको हर 3 महीने में अपने डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा, ताकि उसके साथ साथ में हमेशा मिलते रहें। अब ये जो ऑपरेशन होते हैं इसके अंदर अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ किए जाते हैं, जिनमें से एक इंस्ट्रूमेंट होता है माइक्रो डिब्राइडर। ये इंस्ट्रूमेंट पावर्ड इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं हम लोग इनको। इनसे बड़े अच्छे से साइनस खुलते भी हैं, पूरी साफ सफाई भी होती है और अच्छे से काम हो जाता है। इसके साथ साथ साइनस के बाद में 1 से 2 दिन के लिए आपकी नाक में पट्टी डाली जाती है, जिसके अंदर आपको मुंह से सांस लेना होता है, और बीच बीच में आपको 2 हफ्ते के लिए अपने डॉक्टर के पास में नाक की क्लीनिंग के लिए जाना पड़ता है, ताकि कोई भी क्लॉट्स हों, कुछ भी हो, उसको साफ़ किया जाए। और बाद में अगर आपकी नाक में पॉलिप है, हर 3-3 महीने अपने डॉक्टर से मिलते रहिए। तो ये कहना कि ऑपरेशन के बाद में सक्सेस नहीं होता, ये नहीं होता, वो गलत है। ये ऑपरेशन दूरबीन के माध्यम से ही होते हैं, एकदम सही हो सकते हैं, और काफ़ी हद तक मरीजों को बीमारी वापस नहीं भी आती हैं। तो कृपया करके अगर आपके डॉक्टर ने आपको बताया है और वो सही इंडिकेशन है तो उसके साथ बढ़िए। ऐसा नहीं है कि हर बार ऐसा होगा कि बीमारी वापस आ जाएगी, तो उसको समझिए और उसके साथ साथ चाहिए। धन्यवाद।